एजुकेशन वो होता है जो हम स्कूल और कॉलेजेस में रिसीव करते हैं और जो हमें करियर के लिए तैयार करता है, जिससे हमारा प्रोफेशन और करियर डिसाइड होता है। लेकिन लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्कूल कॉलेज के बाद भी चलते रहता है। आपके पास जो मोबाइल है उसका सॉफ्टवेयर आप वीकली या मंथली अपग्रेड करते हैं ना, लेकिन कभी आपने सोचा ये जो ब्रेन, इसका जो सॉफ्टवेयर है यानी कि माइंड, उसके सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड करते हैं? कितनी बार अपग्रेड किया? जब तक हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तब तक हमारे इस ब्रेन के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपग्रेडेशन होते रहता है एजुकेशन की फॉर्म में। लेकिन स्कूल और कॉलेज के बाद हमारा ये अपग्रेडेशन रुक जाता है, हम रियल लाइफ में आ जाते हैं और जिंदगी के झमेलों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर पाते। जब मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना इतना जरूरी है तो इस सॉफ्टवेयर को भी तो अपग्रेड करना जरूरी है। और दूसरी चीज, लाइफ में एजुकेशन जब आपने अचीव किया स्कूल कॉलेज में, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई गई, सिखाई गई, एजुकेशन दिया गया जिससे आपका करियर बन सके, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशन को चूज कर सकें और एक अर्निंग कर सकें। लेकिन बहुत सारी चीजें जो रियल लाइफ में एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी हैं वो वहां पर नहीं पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई। और इसी वजह से आज जब स्कूल कॉलेज के बाद रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमारे अंदर आता है। हम एक हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो इन सब बातों को समझते हुए मुझे लगा कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो रियल लाइफ लर्निंग या वो चीजें सिखा सके जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती लेकिन लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस मोटो के साथ मैंने शुरुआत किया है लाइफ कैंपस का। लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ कैंपस में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस में रखेगा। उसके साथ साथ लाइफ कैंपस का एक मोटो होगा कि हम आपको रियल लाइफ सक्सेसफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, जहां पर हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे लाइफ कैंपस के प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने लाइफ में वो सक्सेस जिसे हम सब चाहते हैं वो अचीव किया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन जिन्होंने वो सक्सेस अचीव किया होगा, कैसे उन्होंने अचीव किया और क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया, कौन सी लाइफ की लर्निंग्स थी जो उन्हें मिली और कौन से लाइफ के खट्टे मीठे अनुभव थे जो उन्हें इस जर्नी में मिले और उन अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिले, इस मोटो के साथ हम उन रियल सक्सेसफुल लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे आपके लिए। जो लोग इस लाइफ कैंपस का हिस्सा होंगे, स्टूडेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे लाइफ चैंपियंस। ये लाइफ चैंपियंस अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखेंगे, अप टू द मार्क रखेंगे और अपना एक बेहतर वर्जन हमेशा बनाते रहेंगे ताकि लाइफ को 100% नहीं 200% जिया जा सके। हेलो, आप सभी का स्वागत है लाइफ कैंपस लर्निंग फॉर लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ केयर। अभी अगर मैं ओरल हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम अपने फिजिकल बॉडी को इम्पोर्टेंस देते हैं, आजकल लोग मेंटल बॉडी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ओरल हेल्थ को मीन्स लाइक पीपल थिंक कि ठीक है ब्रश कर लिया एंड दैट इज ऑल ओके। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों से रेगुलरली मैं कुछ लोगों में एक प्रॉब्लम देख रहा था, कभी दांतों से रिलेटेड, कभी स्मेल से रिलेटेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर देखा। देन लाइफ कैंपस ने सोचा कि ये ऐसा मुद्दा है जिसपे अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उसी के लिए आज लाइफ कैंपस में हमने इन्वाइट किया है
डॉक्टर मोहिनी छाबरा मैम को बहुत बहुत स्वागत है मैम, जो कि हैं एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट सीनियर डेंटल कंसल्टेंट दिल्ली एंड चंडीगढ़, अवार्डेड बाय डेंटल रिवाज एंड फैमडेड बेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट ऑफ द ईयर 2019-20। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव कैंपस में। थैंक यू सो मच सर्वेश, इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया एंड आई एम रियली हैप्पी कि फॉर द सेकंड टाइम आई एम अगेन बैक ऑन योर शो, सो प्लेजर इज ऑल माइन। और हम जितनी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए लोगों के बीच में, उनकी जितनी हेल्प कर पाए उतना अच्छा है। यस मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, एंड मेरा जो पहला क्वेश्चन है, क्या आपको सही में लगता है कि जैसे अभी मैंने बोला कि फिजिकल बॉडी पर लोग और आजकल मेंटल बॉडी का भी अपना ख्याल रखते हैं, इवन पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ओरल हेल्थ के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, सो अभी वो स्टक है, ठीक है, राइट, एंड उसी पे स्टक है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिले हैं मैम, अपने मेरे दोस्तों में ही देखने को मिले, सो आपको क्या लगता है लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है ओरल हेल्थ को लेकर? अगर हमारे कंट्री की बात करें तो डेफिनेटली ओरल हेल्थ अभी बैकसीट लिया हुआ है ओरल हेल्थ ने, क्योंकि लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। लोग आजकल फिजिकल हेल्थ एंड इन द प्रेजेंट टाइम थोड़ा सा, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया है, तो मेंटल हेल्थ की तरफ भी जा रहे हैं, बट ओरल हेल्थ फिर भी एक बैकसीट इसलिए ले लेता है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है जब तक कोई प्रॉब्लम उनको पेन ना दे या किसी एक्सट्रीम सिचुएशन पे ना पहुंचे, वो इसके लिए आगे नहीं आते हैं। इसका एक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंश्योरेंसेज होती हैं या जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनमें भी ओरल हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी हुई है, अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर आप को एक रूटीन ओरल चेकअप के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ही स्कीम्स मिलती हैं, सो दैट आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ओरल हेल्थ चेकअप करवाएंगे, तो आपको जरूर पता लगेगा कि आपके ओरल हेल्थ का क्या स्टेटस है और क्या चीज की जरूरत है, वो आपको वहां पे बता सकते हैं। बट हमारे यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है कि इसकी इतनी प्रमोशन ना गवर्नमेंट के लेवल पर है ना हेल्थ सेक्टर के लेवल पर है, तो लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। हाँ, बट कुछ अभी मेट्रोज में और कुछ सिटीज में अभी ट्रेंड बहुत डिफरेंट चल रहा है, लोग अब बहुत यंग एज से ही ध्यान रख रहे हैं अपने ओरल हेल्थ का, पेरेंट्स अपने बच्चों का पहले से ही ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बच्चों के कोई दांत खराब ना हो, कुछ ऐसा ना हो, सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, होपफुली इन कमिंग टाइम्स पीपल वुड बी मोर अवेयर अबाउट इट और उनको ज्यादा हेल्प मिलेगी इसके। थैंक यू मैम। आजकल अगर मैं बोलूं तो ओरल हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को हो सकती हैं अगर वो अपने ओरल हेल्थ का ख्याल ना रखें? मैम राइट, एक तो मैं अभी एक आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि ओरल हेल्थ एक्चुअली है क्या। ये सिर्फ दांतों की हेल्थ नहीं है, ओरल हेल्थ एक पूरा स्ट्रक्चर है जो टीथ से, ग्रम से जिनको हम मसूड़े कहते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट जो दांत को बोन के साथ जोड़ के रखता है, मुंह की हड्डी, टंग, हमारा म्यूकोसा जिसको हम चीक का इनर साइड कहते हैं वो, और हमारे जॉ जॉइंट्स, जो एक जॉ जॉइंट होता है वो हमारे ऊपर और नीचे वाले जबड़ों को जोड़ के रखता है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर ही ओरल हेल्थ डिटरमाइन करता है, तो इसमें हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक कंपोनेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो आपकी ओवरऑल ओरल हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो अगर हम एग्जांपल ले टीथ का, तो टीथ के साथ डेफिनेटली डिके होता है, केरीज होती है जिनको हम दांत का सड़ना कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है टीथ की। दूसरी मसूड़ों के साथ अगर आ जाए तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, उनमें सूजन हो जाती है, उसकी वजह से मुंह से फाउल स्मेल आती है, तो ये उसकी वजह से कई बार मसूड़े जब सूज जाते हैं वो दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो दांत हमारे हिलने शुरू हो जाते हैं एट अ वेरी यंग एज। तो आप 38, 36, 37 ईयर्स के लोगों में भी आप देखेंगे कि उनमें प्लाक कैलकुलस जमना शुरू हो जाता है। प्लाक कैलकुलस क्या होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो दांत के ऊपर एक सॉफ्ट डेब्रिस की लेयर बनती है, जब ये डेब्रिस की लेयर रेगुलरली रिमूव नहीं होती तो वो कैल्सिफाई हो जाती है, मतलब वो सॉलिड का फॉर्म ले लेती है, और जब वो सॉलिड का फॉर्म ले लेती है तो वो कैलकुलस बन जाती है, और ये कैलकुलस ही एक कारण है कि हमारे मसूड़ों की हेल्थ खराब होती है, मसूड़े नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारे दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम अपने टंग का ध्यान नहीं रखते हैं, हम टंग की रोज क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो हमारे एक कंडीशन होती है जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती है, सो टंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते हैं, तो उनकी वजह से दांतों की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। और दूसरा, उन पर गलत प्रेशर पड़ता है। जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है दांतों पर, तो हमारे जो जॉ ज्वाइंट्स हैं, इन पे प्रेशर पड़ता है, और इनकी वजह से आपने बहुत लोगों में देखा होगा कि जॉ ज्वाइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम टीएमजे पेन्स कहते हैं। तो ये हर एक कंपोनेंट है जिसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और उनमें अगर प्रॉब्लम्स हो जाए तो ओवरऑल ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। थैंक यू मैम। लाइफ कैंपस का मेन मोटो जो है हमारा कि वो 7 डायमेंशनल जो लाइफ के 7 डायमेंशन है उस पर वर्क करके और लोगों को एक बैलेंस लाइफ देना है। बैलेंस लाइफ में हेल्थ अगर हम बात करें, फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें, तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी बोला कि मेंटल से लेकर ठीक है फिजिकल बॉडी का लोग ध्यान दे रहे हैं लेकिन ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। अभी शायद लोगों को लग रहा होगा कि हाँ मुझे ये होता है, और अगर 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 सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया ना, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया गया जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर उसका वर्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सिवाय ओरल हेल्थ के अलावा भी हमारी पूरी बॉडी भी ओरल हेल्थ से कनेक्टेड है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव करती है कि जिन लोगों के मसूड़े की प्रॉब्लम रहती है, बेसिकली जिनको हम पेरियोडोंटल डिजीजेस कहते हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों से खून निकलता है, उनमें अल्सर्स बने रहते हैं, दांत हिलते हैं, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं टू अ रैपिड हार्ट अटैक। तो उन लोगों ऐसे लोगों में जिनमें ये हिस्ट्री होती है पुअर ओरल हाइजीन की, वो ज्यादा प्रोन होते हैं टूवर्ड्स हार्ट डिजीजेस। दूसरा, वो ज्यादा प्रोन होते हैं टूवर्ड्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जिनको हम लंग्स की डिजीजेस कहते हैं। ये सब चीजों का रीजन ये है क्योंकि जब हमारे माउथ में बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट ईजी होता है। सो उसकी वजह से सिर्फ दांत ही नहीं इफेक्ट होते या मुंह ही नहीं इफेक्ट होता, बाकी सारे ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। एक इसका और एग्जाम्पल है कि हम ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, लेकिन आजकल कोविड बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। हर किसी को ये लगता है कि कोविड है तो लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, सर्दी खांसी खांसी है हमें, ब्रेथलेसनेस है, लॉस ऑफ स्मेल है, तो मे बी कोविड है। बट यही एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कैसे मुंह भी रिलेटेड है टू एवरी डिजीज इज, कि कोविड में भी हम सबसे बड़ी चीज, एक जो हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि जब आपको लॉस ऑफ टेस्ट हो जाए, जब आपको टेस्ट का ना पता लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको डेफिनेटली कोविड है और आपके अंदर कोविड के मार्कर्स या वायरस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत एडवांस स्टेज में हो जाता है। अब कोविड की ही आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इनिशियल स्टेज में अगर हमारे मुंह में ड्राइनेस हमको फील होती है, सूखा सूखा लगता है, सलाइवा थिक हो जाता है, सलाइवा कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में ये एक बहुत इनिशियल साइन है कोविड का। ये बहुत सारे पेशेंट्स में पाया गया है कि उनको कोविड बाद में होता है, इनिशियली ये सिम्टम डेवलप करते हैं। तो हमें अगर ऐसा कोई सिम्टम होता है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम नॉर्मल डे में हैं और हम नॉर्मल हैं, तो हमारे मुंह में सलाइवा भी, जिसको हम थूक बोलते हैं, वो नॉर्मली बनती है। लेकिन अगर हम कोविड इन्फेक्टेड है और बहुत इनिशियल है, इनिशियल डेज है, तो हमको ड्राइनेस फील होने लगेगी। एक और चीज जो कोविड के सिम्टम है वो है वाइट एंड पैची टंग, जिसको कोविड टंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे टंग पर अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, टंग वाइट और पैची हो जाती है। जब हम ऐसी कोई चीज देखते हैं तो हमें ये इमिजिएटली सोच लेना चाहिए या हमें पता लग जाना चाहिए कि ये हम कोविड से इन्फेक्टेड है, क्योंकि इसके बाद ही लेटर स्टेजेस में हमें लॉस ऑफ टेस्ट होगा, हमें किसी चीज का स्वाद नहीं पता लगेगा, उसका रीजन ही यही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि कैसे हमारी बॉडी, पूरी बॉडी ही ओरल हेल्थ के साथ रिलेटेड होती है। इनफैक्ट अगर आप कहीं पे कोई हार्ट पेशेंट होगा या कोई डायबिटिक पेशेंट होगा, तो वो ये बहुत अच्छे से समझेगा कि अगर डायबिटीज आपको होता है तो आपकी ओरल हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और यही अगर आपकी ओरल हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपके डायबिटीज में जो अल्सर्स होते हैं वो हील होने में बहुत टाइम लगता है। सो इट इज बोथ वेज। अगर हम कहीं हार्ट पेशेंट्स होते हैं तो उनको ये आइडिया होगा कि अगर किसी हार्ट सर्जरी के लिए भी हम जाते हैं या किसी भी चीज के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि आप ओरल एग्जामिनेशन करवाएं। राइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल हेल्थ हमारी बॉडी की तभी कंसिडर होगी जब हम हमारा ओरल हेल्थ वाला एस्पेक्ट भी अच्छा होगा। यहाँ पे आज के डेट में लोग मैनिक्योर और पेडिक्योर पे ध्यान देते हैं, लेकिन ओरल हेल्थ की अगर बात करें तो उस पे, हाँ ऑब्वियसली जब जब अवेयरनेस उनके पास आएगी, जो मैं अभी प्रॉब्लम्स देखा हूँ आज के यूथ के अंदर, मैं देखा हूँ मैम अचानक से
आई डोंट नो वो क्या होता है कि दांत आ रहा है, व्हाट इज दांत आ रहा है, और दांत आ रहा है कि अंदर फिर उनका पेन हो रहा है और पेन के बाद कोई दांत निकलवा रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो अभी ये रूट कनाल करा रहे हैं, मीन्स बहुत सारे अभी मैंने बैक टू बैक केसेस देखे हैं ऐसे। और ये दांत स्पेशली दांत वाले, तो ये क्या केस है मैम, और इसको इसका केयर कैसे किया जा सकता है? अब इसमें मैं बताना चाहूंगी कि दो सेक्शंस में इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगी, इनफैक्ट दो नहीं तीन सेक्शंस में करना चाहूंगी। एक तो सबसे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें जब दांत आने शुरू हो जाते हैं तो उनको दर्द होने लग जाती है, मसूड़े सूजने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं बुखार आ जाता है। तो वो सिचुएशन एक नॉर्मल सिचुएशन है जब जिसको हम इरप्टिंग स्टेज कहते हैं और दांत इरप्ट होने वाले होते हैं। उन्हीं में एक दूसरी सिचुएशन होती है कि जब दूध वाले दांत हमारे दूध वाले दांत अपने आप अंदर से खत्म होते हैं और उसके नीचे से जो परमानेंट टीथ है जिनको हम पक्के दांत कहते हैं वो बाहर आते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे परमानेंट टीथ नॉर्मल टाइम पर नहीं आ रहे हैं तो हमको दूध वाले दांतों को निकालना पड़ता है ताकि परमानेंट टीथ जो है वो अपनी सही जगह पर आ सके। अगर वो अपनी सही जगह पर नहीं आएंगे तो वो कहीं इधर उधर इरप्ट होंगे और फिर लेटर स्टेजेस में उनको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो क्राउडिंग डेवलप हो जाता है, टेढ़े मेढ़े दांत इसी वजह से होते हैं। अब दूसरा एज ग्रुप है जो टीन्स का एज ग्रुप है। यूजुअली हमारा थर्ड मोलर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अकल दाढ़ भी कहते हैं, बहुत लोग इसको इस नाम से भी जानते होंगे, उसकी इरप्शन होती है। अगर वो नॉर्मल एज, उसकी इरप्शन यूजुअली 18 to 25 ईयर्स तक होती है। बट बहुत सारे लोगों में आजकल के हमारी डाइट की वजह से हमारे जॉज बहुत छोटे हो गए हैं और हमारी जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुई है हमारे जॉज छोटे हो गए, तो इस वजह से बहुत लोगों में अब थर्ड मोलर को निकलने की जगह नहीं मिलती। इसलिए हम उसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है हमारी च्यूइंग में, मास्टिकेशन में। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, जिसमें हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और वहां से कई बार ब्लीडिंग होती है, खाना फंसता है। तो इस सिचुएशन में हमें अपने दांतों को, थर्ड मोलर्स को निकलवाना पड़ता है, सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ता है। अगर किसी को ये विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 18 ईयर्स to 25 ईयर्स के बीच में हो रहा है और टूथ की पोजिशन नॉर्मल भी है, वो एक्सरे से पता लगता है, बट अगर नॉर्मल है और थोड़ी थोड़ी बीच में ये पेन हो रही है तो ये नॉर्मल इरप्शन पेन है। ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसको वार्म सलाइन रिंसेस करने चाहिए, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना चाहिए दिन में 8 से 10 बार। वो ऐसा करेंगे तो वो अगले दिन तक ही पेन रिलीव हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि गुनगुने पानी में नमक डालने से हमारे मसूड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सूजिश होती है, वो खत्म हो जाती है। एंड थर्ड एज ग्रुप इज जहां पर हम कहेंगे कि केरीज हो जाते हैं, दांत इतने सड़ जाते हैं कि उसके बाद हमको वो दांत, उस सिचुएशन पे हम पहुंच जाते हैं, हम पेन की इतनी वेट करते हैं कि हम उस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहां हमको या तो आरसीटी करवानी पड़ती है या दांत निकलवाना पड़ता है। आरसीटी इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसमें हम जड़ों से दांत को साफ करते हैं क्योंकि इन्फेक्शन दांत की जड़ तक चला जाता है। तो हम दांत को साफ करते हैं और उसके अंदर हम फिलिंग करते हैं। दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन, जब दांत को बचाने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रहती है तब हमको दांत निकालना पड़ता है, उसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो बेटर है कि अगर हम अर्ली स्टेजेस में ही इन चीजों का ध्यान रख लेंगे, हम एग्जामिनेशन रूटीन में डेंटिस्ट के पास करवाते रहेंगे तो हमें आरसीटी और एक्सट्रैक्शन की स्टेज तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, हम शायद फिलिंग से भी अपने दांत को बचा पाएंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं मैम जहाँ पे उनके इस साइड में, इस पार्ट में साइड में या तो गम्स में या तो टीथ में रेगुलर पेन होता है लेकिन ब्लीडिंग वहां से नहीं होती है। सो वो जो पेन है वो क्या चीज है मामा? बहुत सीवियर पेन होता है, मतलब झेला नहीं जाता है लोगों से वो। राइट एग्जैक्टली, ये वही पेन है जो मैं सेकेंड एज ग्रुप में बता रही थी। इसको हम थर्ड मोलर की पेन बोलते हैं, अकल दाढ़ की पेन बोलते हैं। ना ब्लीडिंग होती है ना बाकी के किसी दांत में कीड़ा लगा होता है, बट क्या होता है कि जब वो अकल दाढ़ बाहर आ रही होती है अपने इरप्टिंग फेज में होती है तो उसकी वजह से वो पेन रेडिएट होती है। वो पेन ना सिर्फ इस पूरे रीजन में जाती है जब बल्कि कान में, सिर के पिछले हिस्से में, यहाँ तक भी रेडिएट होती है और वो इतनी तीव्र होती है कि आप उसको बेयर नहीं कर पाते, आपको लगता है शायद आप सो भी नहीं पाएंगे और जब आप लेटते हैं तो भी वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी के लिए आप पेन किलर खा सकते हैं एक दिन के लिए। पहले तो आप चेकअप करवाएं, हर एक डेंटिस्ट आपको एक ओपीजी बोलेगा जो पूरे मुंह का एक्सरे होता है जिससे हमें उन दांतों का स्टेटस पता लगेगा। हाँ, अगर वो दांत सही है, सीधे हैं और नॉर्मल प्रोसीजर है तो फिर जो मैंने आपको बताया वार्म सलाइन रिंजेस ही उसका सोल्यूशन है। Yes. और इन केस अगर वो सही नहीं आ रहे हैं, टेढ़े आ रहे हैं, तो फिर उनको निकलवाना पड़ता है। ओके मैम, और कुछ केसेस जो है मैम जो स्मेल के प्रॉब्लम होते हैं लोगों के?
उन लोगों को मैंने देखा है कि अब किसको कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो केयर नहीं कर रहे हैं। तो जो कॉर्पोरेट्स में या प्रोफेशनल्स जो है, कहीं कहीं ऐसे लोगों को अगर होता है तो बहुत इंफीरियर फील करते हैं वो सामने वाले से बात करने में। कुछ लोगों में ये स्मेल की प्रॉब्लम इतनी सीरियस होती है कि अगर डिस्टेंस पे भी थोड़े इंसान रहे तब भी वो स्मेल लोगों तक पहुंच जाती है, और कहीं ना कहीं उसका जो एक इंप्रेशन होता है बैड होता है, जिसकी वजह से वो इंफीरियर फील करता है। तो ये किन वजहों से स्मेल, कुछ वजह अभी आपने बताया मैम, मैं चाहूंगा कि स्पेशली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करके एक किन वजह से ये स्मेल आती है और उसके केयर के लिए क्या कर सकते हैं लोग। सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो है इसकी वो है प्लाक एंड कैलकुलस, जो मैंने आपको बताया कि कैलकुलस जब बढ़ जाता है मुंह में, खाना एक्यूमुलेट होता रहता है तो वो एक सॉलिडिफाई फॉर्म ले लेता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कैलकुलस जब होता है तो हमारे मसूड़ों की हेल्थ इफेक्ट होती है। तो यूजुअली ये स्मेल जो होती है, अगर हमारे मुंह में ज्यादा कैलकुलस हो तब आता है। दूसरी कंडीशन तब होती है जब हमारे मसूड़ों से कहीं पे ब्लीडिंग होती है। तो जब मसूड़े सूजे हुए होते हैं या उनसे ब्लीडिंग होती है तो उस सिचुएशन में भी हमारे मुंह से फाउल स्मेल आती है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है हमारी टंग। जब हम रेगुलर टंग क्लीनिंग नहीं करते हैं तो टंग पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं जिनकी वजह से फाउल स्मेल आती है। सो इसकी प्रिकॉशन के लिए हमें यूजुअली जो हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप नॉर्मल रूटीन में भी गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग अ माउथ वॉश तो आप रूटीन में भी ये चीज कर सकते हैं। और दूसरा, हमें टंग क्लीनर्स यूज करने चाहिए, और टंग क्लीनर के साथ रोज की रूटीन में, जैसे रोजमर्रा में हम अपने दांतों को साफ करते हैं, वैसे ही टंग को भी क्लीन करना चाहिए। कितने लोग तो नहीं करते हैं। और जैसे पिछले सेशन में भी हमने बात किया था कि शेर को खाने से पहले हमारे कॉलेजेस में ये डायलॉग बोला जाता था कि शेर को ब्रश करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। और तो यही जब शेर ब्रश नहीं करता तो फिर बाद में उसको या तो आरसीटी की या एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ जाती है। यस मैम। और ये सारे डायलॉग, और इसपे कहीं ना कहीं लाइव कैंपस का ये भी काम है कि हम लोगों को जो थॉट्स है, क्योंकि थॉट्स आपके लाइफ को बैलेंस करते हैं, और अगर ऐसे ऐसे थॉट्स को हम अपने माइंड में अपने आप को क्या बोलते हैं, अगर हावी होने देंगे ऐसे थॉट्स को, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी की प्रोग्रामिंग ही वैसे हो जाती है, फिर हम उन्हीं चीजों को फॉलो करने लगते हैं। एक क्वेश्चन आया है मैम, इस बार हमने कुछ दर्शकों से भी क्वेश्चन पूछे कि आप कैसे ओरल हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट टाइप ऑफ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट शुड आई यूज। राइट, नॉर्मली हम जो सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को वो हम मीडियम टूथब्रश यूज करने के लिए बोलते हैं। ब्रश तीन तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट टूथब्रश होता है, एक मीडियम होता है और एक हार्ड होता है। तो यूजुअली हम मीडियम टूथब्रश यूज करने के लिए बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों के जैसे ही एज बढ़ती है तो हमारे मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है, या हमारे मसूड़े उतने हेल्दी नहीं होते, तो उस सिचुएशन में हम सॉफ्ट टूथब्रश यूज करने के लिए बोलते हैं। अब जब हम ब्रश करते भी हैं, चाहे हम कोई भी ब्रश यूज करें, डेफिनेटली हमें हार्ड टूथब्रश नहीं यूज करना चाहिए। बट ब्रश करने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत डिटरमाइन करती है कि आपके दांत कैसे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान कर रखने के चक्कर में दांत को ज्यादा देर तक रगड़ते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है कि दांत के मसूड़ों के पास वाले एरिया में दांत घिसने लग जाते हैं, जिसको हम अब्रेजन कहते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इतना भी ज्यादा ब्रश ना कर दें कि हम खुद से ही अपने दांत का नुकसान कर लें। और दूसरा, जो टूथब्रश हम यूज टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, अगर हम नॉर्मल एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे फ्लोराइड ज्यादा नहीं है तो हमें यूजुअली वही टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें 1300 से लेके 1500 ppm, जिसको 5 per million बोलते हैं, इतना अमाउंट ऑफ फ्लोराइड हो। तो स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए कोलगेट टोटल एंड पेप्सोडेंट टोटल आर गुड फॉर देयर टीथ, जो हमारी पॉपुलेशन के लिए है। कोलगेट टोटल एंड पेप्सोडेंट टोटल। और बेसिकली जब हम टूथब्रश टूथपेस्ट यूज करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रीम बेस्ड टूथब्रश टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, जेल बेस्ड नहीं यूज करना चाहिए। हम टीवी एडवर्टाइजमेंट से देख के बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम वो उसमें एड में दिखाते हैं कि फ्रेश ब्रेथ आएगी तो जेल बेस्ड टूथपेस्ट, वो कलरफुल ब्लू रेड कलर के टूथपेस्ट आते हैं, तो सब लोग ये सोचते हैं कि इससे हमारी ओरल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी स्मेल आएगी मुंह से, अच्छी सेंट आएगी। तो वो नहीं करना चाहिए, हमें क्रीम बेस्ड जो यूजुअली व्हाइट कलर के होते हैं, क्रीम बेस्ड टूथपेस्ट को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए होते हैं। जो जेल बेस्ड टूथपेस्ट है, हाँ डेफिनेटली वो ब्रेथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे कुछ एफोवेसेंस होते हैं और ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जिनसे स्मेल अच्छी आती है, लेकिन दांतों के लिए
वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। इसलिए एक हमने एक कॉम्बिनेशन जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए यूज किया है वो टोटल यूज किया है। टोटल में दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, जेल बेस्ड भी है और क्रीम बेस्ड को कंबाइन करके एक टूथपेस्ट बनाया गया है। जेल और पेस्ट दोनों अगर यूज करें मैम तो? यूजुअली अगर आप जेल और क्रीम दोनों यूज करें तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि नोबडी वुड गो फॉर अ 10 मिनट ब्रशिंग, तो आप उसमें मिक्स नहीं कर सकते। तो इसी को कंबाइन करने के लिए, इस इफेक्ट को ही कंबाइन करने के लिए कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों ही टोटल टर्म्स के साथ आए हैं। आप जब मार्केट में पेस्ट लेने जाएंगे तो कोलगेट में भी अलग अलग वैरायटी है, कोलगेट चारकोल है, कोलगेट फ्रेश ब्रेथ है, लेकिन कोलगेट टोटल एक ऐसा टूथपेस्ट है जो अपने आप में सारे पर्पसेस सॉल्व करता है। कोलगेट टोटल एंड सेंसोडाइन, पेप्सोडेंट टोटल, पेप्सोडेंट टोटल, राइट। सेंसोडाइन नेम है, सेंसोडाइन सिर्फ सेंसिटिव वाले टीथ के लिए होता है। ओके ओके मैम, एक और क्वेश्चन है, डू आई रियली नीड टू फ्लॉस? यस, दिस इज वन कॉन्सेप्ट व्हिच इज नॉट पॉपुलर इन इंडियंस, बट वी शुड फ्लॉस। और फ्लॉसिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक नायलन फ्लॉस आती है जो नायलन थ्रेड के फॉर्म में होती है, एक नॉर्मल फ्लॉस होती है और एक वाटर फ्लॉसर आता है। वाटर फ्लॉसर एक मशीन है जिसमें एयर, जिसमें वाटर बहुत तेज गति से आता है और वो दांतों के बीच के खाने को रिमूव करता है। फ्लॉसिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो हम दांत के बीच वाले सर्फेसिस में से खाना नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम वहां पे फ्लॉस यूज करें ताकि उनके बीच में खाना ना फंसे। यही खाना जब लॉन्ग रन में फंसता रहता है तो दांतों में केरीज डेवलप हो जाती है। कुछ लोग फ्लॉस की जगह मैम टूथपिक्स यूज करते हैं ये फंसे हुए चीजों को निकालने के लिए, तो व्हिच वन इज बेटर? क्योंकि अगर मैं फ्लॉस की बात करूं तो मैं हार्डली किसी को मैंने फ्लॉस यूज करते हुए देखा है, हार्डली जो हम अभी तक जितने भी लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, हम उनको स्ट्रिक्टली कहते हैं कि डू नॉट यूज टूथपिक्स फॉर योर टीथ, बिकॉज टूथपिक्स दांत को इंजर कर देती है, ना सिर्फ दांत को, गम्स को भी डैमेज करती है। तो आपने सुना होगा जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब हम दांत पर जोर से रगड़ते हैं ब्रश को तो अब्रेजन हो जाती है, तो ऐसी सारी चीजें दांतों के साथ होती है अगर हम टूथपिक यूज करते हैं। दूसरा, हम अपने गम्स को डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं गम्स पे। तो प्लीज यूज फ्लॉस इंस्टेड ऑफ टूथपिक्स, डू नॉट यूज टूथपिक्स। ओके, सो मैं लोगों से ये बोलूंगा कि अभी यहाँ पे हम आपको ये नहीं दिखा सकते कि फ्लॉस को यूज कैसे करते हैं, बट आई थिंक यूट्यूब पे आपको उसके ट्यूटोरियल। एग्जैक्टली, और अब पहले होता था कि सिर्फ नायलन थ्रेड्स होती थी फ्लॉस के लिए, अब फ्लॉस विद हैंडल्स एंड स्टिक्स आता है, सो इट इज वेरी कन्वीनियंट। जैसे आपका टूथब्रश होता है वैसे ही फ्लॉस हैंडल्स होते हैं, तो आप उसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं हैंडल्स के साथ। जस्ट अ मिनट मैम, प्लीज कैन यू ब्रिंग दैट स्क्रीन मैम? थैंक यू, यस मैम। सो मैं ये, यस मैम, हाँ, सो यूनिफ्लॉस ऐसी कंपनीज हैं, यूनिफ्लॉस नाम से मार्केट में आपको मिलेंगे फ्लॉस जो कि बहुत कन्वीनियंट है टू यूज। ओके मैम, डज अ रिंस और माउथवॉश हेल्प? यस, माउथवॉश हेल्प्स, बट यू शुड यूज माउथवॉश ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। रेगुलर बेसिस पे हमें माउथवॉश नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि माउथवॉशेस में, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे क्लोरहेक्सिडिन, उनमें अल्कोहल कंटेंट भी होता है जिसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने से स्टेनिंग होती है। सो दांतों की स्टेनिंग होती है, तो इसलिए माउथवॉश रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, हर माउथवॉश के अपने कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, हर माउथवॉश अलग तरीके से होता है। तो अगर हम डेली यूज के लिए भी माउथवॉश यूज कर रहे हैं, तो जैसे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि लिस्ट्रीन माउथवॉश आता है, तो ऐसे माउथवॉश को भी हमें एवरीडे बेसिस पे नहीं यूज करना चाहिए। 3 दिन में एक बार यूज कर लिया, रात को सोते टाइम ब्रश करने के बाद हम माउथवॉश यूज कर सकते हैं, या अगर हम किसी टाइम माउथ हमारा ब्रशिंग मिस हो रहा है तब हम यूज कर सकते हैं। अगर हम डेली अपने घर के लिए खुद से एक माउथवॉश से भी ज्यादा या माउथवॉश के इक्वली इफेक्टिव टेक्निक करना चाहते हैं, तो वो है वार्म सलाइन रिंसेस, जो है कोसे पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, विच इज इक्वली इफेक्टिव एज अ माउथवॉश। थैंक यू मैम। व्हाट आर अर्ली साइंस ऑफ डेंटल ट्रबल? अर्ली साइंस ऑफ डेंटल ट्रबल्स आर ब्लीडिंग गम्स दैट यू यूजुअली फाइंड, पेन एंड सेंसिटिविटी इन द टीथ। Even if it is a mild pain, there is supposed to be a trouble. It is bound to happen. Sensitivity होती है, हमें ठंडा गर्म लगने लग जाता है दांतों में, मुंह से फाउल स्मेल आने लग जाती है।
सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इनिशियल साइंस ऑफ एंड मोबिलिटी ऑफ द टीथ, जिसको दांत को हिलना कहते हैं. अगर कोई दांत थोड़ा बहुत भी हिल रहा है तो ऑल दीज एक्चुअली आर इनिशियल साइंस ऑफ अ डेंटल ट्रबल. एक और क्वेश्चन है मैम कि क्या रेगुलर इंटरवल पे डेंटल एग्जाम्स कराते रहने चाहिए लोगों को, और अगर इंटरवल है तो किस क्या इंटरवल होना चाहिए मैम, कि कितने पीरियड पर हम एक बार अपने दांतों का एग्जामिनेशन कराते रहे? राइट, हमें यूजुअली 6 मंथ्स के इंटरवल पे अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, डेंटल चेकअप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें अपने आप घर पे रहते नहीं पता लग सकती. तो उन प्रॉब्लम्स के लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि आपको वो प्रॉब्लम है कि नहीं. ऐसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दो दांतों के बीच में जब कीड़ा लगना शुरू होता है तो हम चाहे अपने आप को मिरर में भी देख लें, हमें नहीं पता लग सकता कि वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू गो टू अ डेंटिस्ट, ही विल एग्जामिन योर टीथ, ही विल एग्जामिन योर गम्स, ही विल एग्जामिन योर टंग, ही लेट यू नो बेटर कि आपकी क्या कंडीशन है, एंड इफ इट इज फाइन इट इज फाइन, बट अगर कोई इश्यूज है तो ही कैन काउंटर दोज इश्यूज. थैंक यू मैम. एक और क्वेश्चन है, आर डेंटल एक्सरे सेफ एंड नीडेड? डेंटल एक्सरेज आर डेफिनेटली नीडेड, बट येस दे आर नॉट सेफ फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स. सो प्रेग्नेंट फीमेल जब भी अपने डेंटल एग्जामिनेशन के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनको उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए अबाउट देयर प्रेगनेंसी, सो दैट दे कैन अवॉइड एन एक्सरे. और आज पहले होता था, बट अब इतनी एडवांसमेंट्स हो चुकी है डेंटल एक्सरेज में कि अब उनमें रेडिएशन एक्सपोजर बहुत मिनिमम कर दिया है, तो ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए बहुत बेटर है. हाँ, एक और टेक्निक जो बदल दी गई है कि पहले जमाने में ओपीजी सीबीसीटी ये सब नहीं होता था तो हमें बहुत सारे एक्सरे ही एक माउथ के शूट करने पड़ते थे, बट अब अगर हमें एक पूरे सेक्शन का एक्सरे चाहिए तो हमें बार बार एक्सरे शूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ओपीजी से ही अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हैं. यस मैम. मैम आपने ब्रेसेस के बारे में सुना होगा कि जब लगते हैं तो और कहीं ना कहीं वो भी अच्छा फील अपने आप में नहीं करते हैं, इनफीरियर फील करते हैं, तो उसका और लेकिन जरूरी तो है, जब अनहिमेन उनके प्रपोर्शंस हो जाते हैं तो फिर उस समय जरूरी होता है टीथ के लिए. उसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन पिछले शो का मुझे याद है मैम, मैं चाहूंगा वो दर्शकों को पता चले. राइट, हम यूजुअली जब टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो सिर्फ बच्चों में ही नहीं, अडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग गम्स ये सब भी तभी डेवलप होता है जब हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, हम उनमें सफाई नहीं कर सकते, केरीज इसीलिए बढ़ती है. तो इनफैक्ट एडल्ट पेशेंट्स में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी एक चीज के लिए. लेकिन ये है कि आजकल सिर्फ एडल्ट ही नहीं, बच्चे भी नहीं चाहते कि उनको वो ब्रेसेस लगे, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. आप खाना नहीं प्रॉपरली खा सकते, ब्रेसेस लगने से आपके मुंह की सफाई नहीं हो सकती जिसकी वजह से आपके मुंह से फाउल स्मेल आती रहती है, डेफिनेटली एस्थेटिक नहीं दिखते, बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, और बार बार ब्रेकेज होती है, तारे टूटती हैं, कहीं ना कहीं अल्सर होते हैं, शार्प वायर्स छुपती हैं. तो इसी के ऑल्टरनेटिव के लिए अब जो चीज आई है वो है अलाइनर्स. हम खुद अलाइनर्स फैब्रिकेट करते हैं, हमारा नॉर्थ इंडिया में पहला ऐसा फर्म है जो अलाइनर फैब्रिकेट करता है बाय द नेम ऑफ एलिडेंट अलाइनर्स. तो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्रेस जैसी ट्रेस दिखती हैं जिनको आप निकाल भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं अपने आप से, तो आपको हर मंथ उसकी टाइटनिंग की जरूरत नहीं होती, हर 15 दिन में आप वो ट्रेस चेंज कर सकते हैं और अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करके एक ब्यूटीफुल स्माइल पा सकते हैं. सो दे आर एक्चुअली इनविजिबल, लोगों को पता भी नहीं लगता और आपका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाता है कि आपने ब्रेसेस यूज भी किए, तो इनको हम अलाइनर्स कहते हैं या इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं. और कहीं ना कहीं जितने भी लोग ब्रेसेस यूज करते थे उनको मैं देखता था कि स्माइल करने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, यानी सारे, तो अगर ऐसे ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स, तो इसका नाम बड़ा यूनिक है मैम, एलिडेंट अलाइनर्स. सो एलिडेंट अलाइनर्स, इन केस हमारे व्यूअर्स को कुछ कंसर्न है तो वो www.elidentaligners.in की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या गूगल सर्च भी करेंगे एलिडेंट अलाइनर्स के नाम से तो उनको इसके बारे में पता लगेगा. तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उन बड़ों के लिए भी जिन्होंने अभी तक ऑर्थो ट्रीटमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि वो ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते थे. और इसमें ना तो आपकी डायट्री रिस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि आप इसको निकाल के खा सकते हैं, और ना ही आपके ओरल हाइजीन पर कुछ इफेक्ट होता है क्योंकि आप इसको निकाल के नॉर्मली जैसे टीथ को क्लीन करते हैं वैसे ही क्लीन कर सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक मैनुअल टेक्निक नहीं है, ये कंप्यूटराइज टेक्निक है. सो बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स ये बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही प्रिडिक्टेबल टेक्निक है.
थैंक यू मैम अगेन. एंड एक और क्वेश्चन है, हाउ डू फीलिंग्स वर्क, फीलिंग्स वर्क कैसे करते हैं? राइट राइट. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जब हमारे दांतों में कीड़ा लगना शुरू होता है, तो अगर हम उसी स्टेज में पहुंचते हैं जब तक वो कीड़ा हमारे दांत के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी में नस होती हैं वैसे ही दांत के अंदर भी नसें होती हैं, तो जब तक ये कीड़ा नसों तक ना पहुंचे, अगर उस सिचुएशन से पहले हम अपने डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, तो वी कैन क्लीन दैट केरियस एरिया, और उस जगह को, उस सतह को साफ करके हम वहां पर एक फिलिंग डाल देते हैं जो जो कि उस एरिया को कवर कर देता है. और आजकल तो कुछ ऐसी भी फिलिंग्स आती हैं जो कि ना सिर्फ उस एरिया को कवर कर देती है, इन्फेक्शन हटा देती है, बल्कि वहां पे टूथ ग्रोथ को और प्रमोट भी करती है. सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ. तो वो इस चीज को भी प्रमोट करती है, तो जो सड़ा हुआ सतह रहती है दांत की वो भरनी शुरू हो जाती है अपने आप से. सो अगर हम फिलिंग टाइमली करवा लेते हैं तो हम अपने दांतों को आरसीटी से, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से, और दांत को निकलने से, एक्सट्रैक्शन से बचा सकते हैं. थैंक यू मैम. ये जो सेशन है अभी तक इस गोइंग लाइक अ रैपिड फायर राउंड, मैं बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा और आप आंसर्स दे जा रहे हैं. सो एक अब जो अगला क्वेश्चन है, मैं एक उससे पहले कुछ और पूछना चाहता हूँ. आपके साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जुड़ा हुआ हो, लाइक आपके वर्किंग पीरियड से रिलेटेड, जब से आप काम कर रहे हो, और किसी क्लाइंट से रिलेटेड, तो कोई भी एक फनी मोमेंट कुछ अगर आपको याद आ रहा है मैम, तो अगर आप शेयर कर. एज इन फनी इंसिडेंट्स ये होता है कि जब लोग आके दांत की प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वो इनफैक्ट क्वेरीज भी आती हैं, तो वो ऐसे नहीं आती, लोगों को नहीं पता कि ये केरीज है या ये है. एक सबसे कॉमन चीज जो लोगों के मुंह में मैं ये सुनती हूँ, वो आते हैं और वो ये कहते हैं मेरे दांत में कीड़ा लगा है, क्या ये कीड़ा निकल जाएगा क्या ये? तो इट इज एक्चुअली नॉट अ कीड़ा, इट्स एक्चुअली डीमिनलाइजेशन ऑफ टीथ, केरियस पार्ट है दांत का. और इसी तरीके से बहुत ज्यादा क्लीनिंग, दांत की क्लीनिंग और स्केलिंग के लिए भी लोगों ने बहुत सारे अलग वर्ड्स बनाए हुए हैं. तो देर आर डिफरेंट टर्म्स जो वो आके यूज करते हैं, पेशेंट्स आके यूज करते हैं, और उससे कई बार हमें लगता भी है कि शायद अवेयरनेस कम है. सो आप डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें एनकाउंटर होती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपने आप आके बोलते हैं कि मेरा दांत यहाँ पे नहीं है, तो आप कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ पर एक नया दांत चिपका दो. सो इट इज लाइक आप चिपका नहीं सकते वहां पे नया दांत. सो दे आर लाइक नहीं डॉक्टर साहब, बाकी सब ठीक है, रहने दो, बस उस जगह पे ही दांत चिपका दो, बाकी मैं चला लूंगा. सो थिंग्स आर नॉट लाइक दैट. ये सब चीजें इसीलिए होती है क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है. इन लोग के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आता है मैम फेविस्टिक का, सो दे कैन परचेस दैट 5 rupees फेविस्टिक एंड दे कैन राइट ऑफ दैट चिपका दो दांत चिपका दो. सो एंड ये मैं पिछले कुछ सेशंस में बैक टू बैक जितने भी मैंने डॉक्टर्स के साथ सेशंस किए हैं, लोग सेल्फ डायग्नोसिस बहुत बनाने लगे आजकल. गूगल बाबा से पूछते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, और अपना सेल्फ डायग्नोसिस बना लेते हैं कि नहीं मेरा ये प्रॉब्लम है, ये होना है, ऐसे होना है. और अगर ऐसे डॉक्टर नहीं कर रहा है तो डॉक्टर गलत है, लेकिन उनका सेल्फ डायग्नोसिस जो उन्होंने बनाया सही है. ऐसे कभी कुछ हुआ है मैम आपके साथ? एग्जैक्टली. अगर पेशेंट्स आते हैं और आप तो पेशेंट आते हैं तो वो सीधा ये नहीं बोलते कि डॉक्टर मेरे को चेक करो क्या प्रॉब्लम है, वो सीधा आके प्रॉब्लम बताते हैं कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. तो कई बार हमें ये भी बोलना पड़ता है कि आप आइए, आप चेक करवाएं, या फोन कॉल पे भी ऐसे ही पूछेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये कहते हैं आपको कैसे पता कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आप पहले जब तक चेक नहीं करवाएंगे आप नहीं समझ सकते. वैसे ही पेशेंट्स अगर क्लिनिक में भी आते हैं वो सीधा चेयर पे बैठने से पहले ही बोल देते हैं नहीं डॉक्टर मुझे पता है मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने गूगल से देखा है. तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जो 5-6 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 3 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं, टोटल 8 साल की पढ़ाई करते हैं, वो कुछ घंटों में ही गूगल से पढ़ लेते हैं और एक डेंटिस्ट बन जाते हैं. प्रोग्रामिंग है उनके माइंड की मैम, बचपन से उन लोग को शक करना सिखाया जाता है कि नहीं, एक एक मेंटालिटी डेवलप कर दी गई है मूवीज से, एडवर्टीजमेंट से, लोगों की बातों से, जो हम जिस परिवेश में रहते हैं वैसे ही अपने माइंड को बना लेते हैं. डेफिनेटली. और उनको कई बार अपने विचारों में इतने ज्यादा उलझ चुके होते हैं कि उनको ये लगता है कि ये डॉक्टर तो मुझसे ज्यादा ट्रीटमेंट के पैसे चार्ज करने के लिए मुझे गलत ट्रीटमेंट बता रहा है, तो डॉक्टर ही गलत है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, डॉक्टर आपको हमेशा सही ही सजेस्ट करते हैं. हम अपने प्रोफेशन में, हर कोई जब हम मेडिकल प्रोफेशन में ही आते हैं या डेंटल प्रोफेशन में ही आते हैं, हर कोई एक एथिक्स और ओथ फॉलो करते हैं, तो कोई भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा, हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है. एक्चुअली मैम
इस बात को मैं थोड़ा सा और फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं। तो कुछ केसेस में कुछ ऐसे डॉक्टर्स आए हैं अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग फील्ड के, जिन्होंने ऐसा करना करने का कोशिश किया, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऐसे पर्सनल केसेस देखे हैं, बट स्टिल इस केस में भी पर्सनल डायग्नोसिस बनाना कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता। क्या आप अपना पर्सनल डायग्नोसिस प्रिपेयर करें और फिर उसके बाद डॉक्टर से लड़े उसके लिए कि नहीं, मैंने जो बनाया है यही सही है। सो इसलिए लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये जो उनकी मेंटेलिटी है ये भी किसी कारणों से है, बट अपना सेल्फ डायग्नोसिस बनाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं अपने सारे दर्शकों से बोलना चाहूंगा। बिकॉज यस, बुराई को आप जितना देखेंगे, आप डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर पर डाउट है तो आप डॉक्टर आप गूगल पे जो सर्च करके आते हैं उससे बेटर है कि आप ये सर्च करें कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है ये किस स्पेशलाइजेशन में। बिकॉज डेफिनेटली अगर हम किसी चीज की, जैसे मेडिकल की स्पेशलाइजेशन होती है, हमको हाथ की प्रॉब्लम होती है तो हमें पहले ही पता होता है कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, हमें स्किन की प्रॉब्लम है तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसकी बजाय ये देखें कि आपको दांत की किस एरिया की प्रॉब्लम हो रही है और उनके स्पेशलिस्ट कौन है आपके एरिया में, और जो आपके एरिया में अच्छे स्पेशलिस्ट है प्लीज गो एंड कंसल्ट द स्पेशलिस्ट देमसेल्फ। अगर आप थोड़े से भी स्केप्टिकल हैं, इफ यू आर लिटिल डाउटफुल अबाउट एनीथिंग, आपको किसी ने कोई डायग्नोसिस बताया तो आप उसको पूरे तरीके से नकारे ना, आप एक सेकेंड ओपिनियन एक स्पेशलिस्ट से ले तो यू वुड योरसेल्फ नो कि क्या सही है क्या गलत है। यस मैम, एक और क्वेश्चन है, व्हाट्स द बेस्ट वे टू व्हाइटन माय टीथ? सी, बेस्ट वे टू व्हाइटन योर टीथ इज ब्लीचिंग, जिसको हम डेंटल प्रोसीजर्स में ब्लीचिंग बोलते हैं। बट वी डू नॉट सजेस्ट दैट फॉर पेशेंट्स जिनके दांत पतले होते हैं या कमजोर होते हैं, बिकॉज ब्लीचिंग दांत की एक लेयर को भी हल्का सा रिमूव करते हैं, तभी हम उनका शेड कम करते हैं। सो एट होम आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। कुछ टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, एक एग्जाम्पल उनका है स्नोडन टूथपेस्ट, रेडीज का आता है। सो ऐसे कुछ टूथपेस्ट है जिनको आप टीथ पे अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी वजह से आपकी टीथ व्हाइटनिंग हो जाती है। मैं एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट भी हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके अंदर ऐसे पार्टिकल्स हैं जो दांत को वाइटन करते हैं, और ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आए हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब तक आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब ना हो आप उन्हें ना यूज करें, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो आपके दांतों की एक लेयर और एक सतह को रिमूव कर देते हैं। सो प्लीज गेट अ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि डॉक्टर ही इवेलुएट करेगा कि आपके दांतों को जरूरत भी है व्हाइटनिंग की कि नहीं। आपको कई बार लग सकता है कि आपके दांत पीले दिख रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके दांत इतने पतले हों या इतने कमजोर हों कि व्हाइटनिंग के बाद आप में सेंसिटिविटी आ जाए। दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी बातों का ध्यान रखें। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है मैम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आर स्वीट्स एंड आइस रियली बैड फॉर माय टीथ? पार्डन, स्वीट्स एंड आइस मतलब बर्फ और स्वीट्स एंड आइस, ओके। सो यस, यू कैन हैव स्वीट्स एंड आइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो आइस के साथ हमें पेन होगी, बट स्वीट्स के बाद आप कितनी बार भी स्वीट्स कंज्यूम करें उसके बाद ब्रशिंग जरूर करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि स्वीट हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो स्वीट्स के साथ मिलके एसिड प्रोड्यूस करता है, और यही एसिड दांतों को की सतह को रिमूव करता है, और इसकी वजह से ही हमारे मुंह में केरीज होती है। तो जितनी बार भी आप स्वीट्स कंज्यूम करें प्लीज उसके बाद ब्रशिंग करें, एंड अवॉइड यूजिंग स्वीट्स और कंज्यूमिंग स्वीट्स एट नाइट टाइम, कि खा लिया और बस इमिडिएटली सो गए, तो प्लीज अवॉइड दैट। अगर कम क्वांटिटी में आप कितना भी खाएं कोई इश्यू नहीं है। अगर दिनचर्या की बात करें, अगर ओरल हेल्थ के केयर के लिए अगर एक डे शेड्यूल हो कि हम दिन भर में हमें ये करें तो शायद हमें परेशानियां नहीं होंगी, हमारे ओरल हेल्थ के लिए दैट इज ब्रश ट्वाइस अ डे, सुबह और रात को। रात को डेफिनेटली करें, बिना ब्रश किए ना सोए। देन यू कैन यूज वॉर्म सलाइन रिंसेस। फ्लॉसिंग ऑफ द टीथ इज इम्पोर्टेंट, जो हम ब्रश करें तो एक टाइम दांतों की फ्लॉसिंग जरूर करें। मैम अगर आप इस और... में भी एक्सप्लेन करेंगे मतलब... हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम ब्रश करें, दो टाइम पे ब्रश करें, सुबह और रात को जरूर ब्रश करें, दांतों में फ्लॉसिंग करें,
एक टाइम पे हम फ्लॉसिंग का जरूर इस्तेमाल करें दांतों के साथ। हम वॉर्म सलाइन रिंसेस, जिनको हम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कहते हैं, वो दिन में एक बार, कम से कम एक बार जरूर करें। और हम अपने डाइट में वाइटामिन सी इनकॉर्पोरेट करें। कुछ चीजें जिनमें वाइटामिन सी होती है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन चीजों को हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। हम जितना ज्यादा हेल्दी और फाइब्रस खाना खाएंगे, उतना ज्यादा हमारे दांत क्लीन रहेंगे। सो फाइब्रस खाना इज सैलड्स हम ज्यादा अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। हम ज्यादा लिक्विड्स लें अपने डाइट में। सो ये कुछ चीजें हैं। और टंग क्लीनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टंग क्लीनिंग को एवरीडे रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। तो अगर हम ये चार पांच चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली ओरल हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। अगर हम अपने मास की बात करें, मैम, इंडिया में 135 करोड़ की आबादी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये ख्याल रखना तो दूर की बात है, दे यूज टोबैको, दे यूज गुटखा, पान मसाला एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड दे फील। अभी मैंने कुछ कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स देखे हैं मैम कि जो जो ये गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीजें यूज करते हैं, प्रॉपरली वो अपने मुंह को खोल तक नहीं पाते, जो लंबे समय से यूज करें प्रॉपरली। तो इन लोग को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स या कैसी कैसी बीमारियां ओरल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं? हमारे कंट्री में ओरल कैंसर एक बहुत ही प्रेवलेंट बीमारी है। और सेंट्रल इंडिया, बेसिकली आप जिस एरिया में हैं वहां पर ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। रीजन यही है, गुटखा एंड टोबैको एंड पान मसाला, ऑल ऑफ दिस। नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे को ओरल कैंसर डेवलप हो जाता है। तो ये जो आपने सारे सिम्टम्स बताए कि हम मुंह नहीं खोल पाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, हमारे सख्त हो जाते हैं मुंह के सारे मसल्स, मुंह के अंदर हमें कुछ भी स्पाइसी खाना जलन होने लग जाती है, उससे सेंसिटिविटीज आ जाती है, मुंह के अंदर बहुत सारे अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, ये सब साइंस हैं ओरल कैंसर के। बेसिकली टोबैको में एक कंपोनेंट होता है निकोटीन, जिसकी वजह से ये सारे ओरल कैंसर को जो डेवलप करने में हेल्प करता है। और यही सारे बेसिक साइंस हैं और इनिशियल सिम्टम्स हैं ओरल कैंसर के। जब हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है, हमारे मसूड़ों में स्टिफनेस हो जाती है, रेडनेस रहती है हमारे मसूड़ों में और हमारे बकल म्यूकोसा, जिसको हम चीक के अंदर वाला सरफेस कहते हैं, उसमें रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, अल्सर्स होने लग जाते हैं, व्हाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये सब चीजें देख रहे हैं अपने माउथ में डेवलप होते हैं, तो देन वी शुड नो दैट वी शुड गो टू अर डेंटिस्ट एंड वी सीरियसली नीड अ ट्रीटमेंट। बिकॉज ओरल कैंसर के बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि ग्रेड 4 में अगर पहुंच जाए तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट कई बार उनके जॉज भी कट करने पड़ जाते हैं, ये इतना भी ज्यादा फैल जाता है। किस किस तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मैम? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ये शो देखने के बाद अवेयरनेस में ठीक है, ठीक होना चाहता है और वापस से, तो लेजर ट्रीटमेंट के बारे में मैं जितना जानता हूँ कि लेजर ट्रीटमेंट एंड सबसे इनिशियल स्टेज में इंजेक्शन लगते हैं, जो कि हम अपने चीक के अंदर की तरफ देते हैं इंजेक्शन। यूजुअली स्टेरॉयडल एप्लीकेशंस, मेडिकेशंस होती हैं, कुछ स्टेरॉयडल ट्यूब्स होती हैं जिनको लगाया जाता है। इसके बाद लेजर ट्रीटमेंट्स आते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं, जिसमें हमको उस एरिया को हटा के उसमें ग्राफ्ट करना पड़ जाता है। सो ऑल ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ इट। सो तो इसके लिए फिर उनको एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट से पहले जाके बात करना चाहिए। डेफिनेटली दे शुड गो टू अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट फर्दर स्पेशलिटीज को रेफर करेंगे, सो देन दे कैन गेट अ कंसल्टेशन डन फ्रॉम देम। एंड जितना जल्दी वो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना बेटर है, क्योंकि जैसे बॉडी के बाकी पार्ट्स का कैंसर स्प्रेड होता है, इन द सेम वे ओरल कैंसर भी स्प्रेड होता है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा ये। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई लास्ट मैसेज दर्शकों के लिए। अभी के टाइम में तो मुझे सिर्फ एक ही मैसेज नजर आता है जो मैं सबको बोलती हूँ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, यूज योर मास्क एंड सैनिटाइजर इक्वली। और घर पर आप रह रहे हैं तो प्लीज इग्नोर ना करिए, अपने ओरल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी बाकी चीजों को दे रहे हैं। थैंक यू मैम, इसी के साथ लाइव कैंपस की तरफ से हम आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे, अपना आपका टाइम देने के लिए और ये सेशन इतने अच्छे से ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।
दिस इज फॉर यू मैम. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी एसोसिएटेड विद लाइफ कैंपस, क्योंकि लाइफ कैंपस इज डूइंग ग्रेट वर्क बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल एंड dealing with their queries regarding their physical health, mental health, all health related issues. So really thankful for this initiative on your behalf and thank you for the certificate. Thanks a lot ma'am. And apne darshakon ko bolna chahunga ki hum jo I think not only in oral health care ma'am, pure life ka hi humne ek personal diagnosis bana rakha hai, pure life ka hi. Aur us personal exactly. diagnosis ki wajah se hame stress, anxiety, depression, सोशल डिसबैलेंस, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने पाल रखी हैं. तो अगर लाइफ में आपके यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग फील्ड के और लाइफ कैंपस तो सारी ही चीज़ें आपको सिखाने आ गया है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो इसीलिए हैं कि सबसे पहले जो आपने एक पर्दा डाल रखा है अपने आपके सामने वो हटाइए. आपका और आपके ओरल हेल्थ का ख्याल रखने भी कोई और नहीं आने वाला है, या आपके ये बोलने से कि मेरे दांतों को कुछ प्रॉब्लम, कुछ लोग दकियानुसी बातें करते हैं मैम, बोलते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता, फिर वही शेर वाली बात, और ये ब्रश करके दो टाइम हम ठीक रहते हैं, बहुत बहुत अच्छा है हमारा, ये सब बस उल्लू बनाने की बातें हैं. कोई कोई ऐसे होते हैं कि हमारे दादा 80 साल के, उनका एक दांत नहीं टूटा. तो ऐसी ऐसी बातें भी जो कुछ लोग करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज मैम? हम अपने दादा पर दादा के साथ डेफिनेटली नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि उस जमाने में जो वो डाइट लेते थे और आज के जमाने में हम जो डाइट लेते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है. हम ज्यादा फाइब्रस फ्रूट से भागकर जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें अपनी डाइट में लेते हैं. हम मीठा ज्यादा लेते हैं, तो इनकी वजह से वी कैन नॉट कंपेयर आज की लाइफस्टाइल. आज हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हम अपनी ओरल हेल्थ को उतनी केयर नहीं दे पाते. पुराने जमाने में वो शायद काम कम था, स्ट्रेस कम था, स्ट्रेस की वजह से अभी एसिडिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा आती है जिसकी वजह से ओरल हेल्थ बढ़ती है. तो हम कॉन्स्टेंट, इवोल्यूशन इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ, चेंज होता रहता है. तो हम पुराने पास्ट के साथ कंपेयर करके अपनी लाइफस्टाइल को नहीं, एक पुराने चीज को एक लैंडमार्क नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है और उसी चेंज के साथ हमें भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं. अगर हम वो चेंजेस नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, नॉट जस्ट विद ओरल हेल्थ बट विद आवर कंप्लीट बॉडी हेल्थ, अगर हमारे टाइम की रिक्वायरमेंट है कि वी नीड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस, हमें ज्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ पर, अगर हम वो चेंजेस को अपनी लाइफ में नहीं इनकल्केट कर पाएंगे, तो हम ना सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर रह पाएंगे बट हम खुश भी नहीं रह पाएंगे. सो बिकॉज अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी हैप्पी इन योर लाइफ. तो प्लीज आप चेंज करें अपने माइंडसेट को, इवॉल्व हो, इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दे. दिस इज बेसिक अवेयरनेस. अगर हम बहुत पढ़ लिख चुके भी हैं तो ये बेसिक अवेयरनेस की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. एक बात मैं हर शो में बोलता हूँ कि हम स्वास्थ्य के लिए गंभीर तब होते हैं जब स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है. एक्चुअली हम हेल्थ के लिए सीरियस तब होते हैं जब हमारा हेल्थ सीरियस हो चुका होता है. तो प्रिकॉशंस पे काम करें, बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा आप सभी से. एंड फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा शो में आने के लिए. और दर्शकों को बोलूंगा कि अपने तक ना रखें, अच्छी बातें अपने तक नहीं रखते हैं, स्प्रेड करते हैं, बुरी बातें अपने ही अंदर खत्म कर देते हैं. सो इसको स्प्रेड करिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रखिए. घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, सैनिटाइजर, अपना हाथ वॉश करना सब कुछ यूज करिए. और डॉक्टरों का भी ख्याल करिए जो हॉस्पिटल में इस समय काम कर रहे हैं, बिकॉज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही दुखद है मैं बोलना चाहूंगा. तो उनका भी ख्याल रखिए. सो थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू मैम.